मैं केतु हूँ, मैं तंत्र हूँ, मैं खुफिया षड्यंत्र हूँ, मोक्षदायक मैं हूँ और मैं ही अंतर्द्वंद हूँ। मैं केतु हूँ, मैं तंत्र हूँ, मैं खुफिया षड्यंत्र हूँ। मैं धर्म हूँ, संन्यास हूँ, तोड़ता हर झूठी आस हूँ। मैं धर्म हूँ, संन्यास हूँ, तोड़ता हर झूठी आस हूँ। अध्यात्म का शिखर हूँ मैं और मैं ही मन का त्रास हूँ। मैं केतु हूँ, मैं तंत्र हूँ, मैं खुफिया षड्यंत्र हूँ। जिसने जीता मन को मैं अचानक उसे सब कुछ देता हूँ। जिसने जीता मन को मैं अचानक उसको सब कुछ देता हूँ। और जो दौड़ा इंद्रियों के पीछे उसको मैं पागल कर देता हूँ। मैं केतु हूँ, मैं तंत्र हूँ, मैं खुफिया षड्यंत्र। ये कुछ पंक्तियां लिखी हैं मैंने ताकि केतु ग्रह को आप और अच्छे से समझ सकें। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूँ आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। राहु और केतु का मेजर ट्रांसिट 30 अक्टूबर को हो रहा है और अगले 1.5 साल यानी 18 महीने तक रहने वाला है। अब केतु का, क्योंकि राहु पर तो हमने काफी लंबी चर्चा की है आपकी राशि को लेकर के, जिसने नहीं देखा है वो वीडियो जाकर के देखे। आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं केतु ग्रह के ऊपर। केतु का जो ये ग्रह गोचर है, ये आपकी कुंडली में आपको क्या परिणाम देगा? क्या अब तक केतु ने जो आपसे छीन लिया है वो आपको इस बार लौटाने आए हैं? इसी बारे में विशेष चर्चा करेंगे। आप सोचते होंगे कि भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई और फिर इसमें बना दिए राहु केतु, जो हर समय लोगों को परेशान ही करते रहते हैं। लेकिन ये भगवान ने आपको परेशान करने के लिए नहीं, आपको जगाने के लिए, आपको सिखाने के लिए बनाए हैं। ये आपकी कुंडली में बैठते ही उस जगह है जहां पर आपको बहुत मोह है और इस मोह को तोड़ने का नाम ही है केतु। अब तो क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स भी पैरेलल यूनिवर्स, मल्टा यूनिवर्स की बात कर रहा है। यानी कि ब्रह्मांड में, अगर ये ब्रह्मांड है इसमें आप हो, तो एक और ब्रह्मांड है जहां आप वहां पर भी हो। सुनने में बहुत अजीब लगेगा और बहुत ही लंबा डिस्कशन का ये टॉपिक है, इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन बस इतना समझ लो कि ये जो तुम जीवन जी रहे हो, ये एक सपना है। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा घर, तुम्हारी गृहस्थी, तुम्हारा बैंक बैलेंस, ये सब एक सपना है, माया है। और इस माया को तोड़ने का काम करते हैं केतु। केतु ही वो पावर है जो आपको रियलाइजेशन कराते हैं, उस सपने को तोड़ते हैं। उठो, जगो, यही तुम नहीं हो बंदे, इसके आगे भी तो बहुत कुछ है, इससे पहले भी तो बहुत कुछ था और आगे भी बहुत कुछ रहेगा। वो रियलाइजेशन का नाम है केतु। 30 अक्टूबर को केतु जो है वो परिवर्तन कर रहे हैं और परिवर्तन कर रहे हैं तुला राशि से कन्या राशि में, और 18 महीनों के लिए रहेंगे। 18 मई 2025 तक ये इसी राशि में बने रहेंगे। अब आपकी राशि पे क्या प्रभाव डालने वाले हैं, चलिए जानते हैं। इस राशिफल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जानेंगे कि ये जो ग्रह गोचर है, ये कहाँ कहाँ, इसकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, केतु आपको क्या परिणाम देंगे। और दूसरा जो इसका पार्ट है, उसमें मैं आपको आभास से, यानी जो इंट्यूशन मुझे आती है, उसके माध्यम से बताऊंगी कि आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव इसका होने वाला है, और अगर कोई स्पेशल मैसेज आपके लिए है वो आपको जरूर बताऊंगी। वृषभ राशि वालों, केतु जो है वो आपके छठे स्थान से निकल करके आप पंचम में जा रहे हैं। पंचम में केतु बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी अच्छे भाव में बैठे हैं तो केतु यहाँ पर आपको बहुत कुछ देने आए हैं। रियल ज्ञान जो लाइफ का होता है, जो रियल एक्सपीरियंसेस हमें लाइफ के मिलते हैं, भगवान के प्रति जो हमें अंतर ज्ञान आता है, हमारा रुझान ऐसे में, जब भी केतु यहाँ बैठता है, ध्यान, साधना, समाधि, सिद्धि, इन सभी चीजों की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ लोग अकल्ट भी पढ़ सकते हैं, कल्ट की तरफ वो पैशन हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकते हैं, मेडिटेशन में बहुत डीप जा सकते हैं, आप एक अलग ही यूनिवर्स से, नेचर से अपने आप को कनेक्टेड फील कर सकते हैं। बहुत अच्छी केतु की स्थिति है। लेकिन जो लोग स्टूडेंट्स हैं, अभी आप लौकिक पढ़ाई करना चाहते हैं, डिग्री अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल का समय होगा। आपको थोड़ा मेहनत, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा ताकि आप उस चीज को अच्छे से कर पाओ। जो भी एजुकेशन या डिग्री आप लेना चाहते हो, वहां थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अगर केतु आपका खराब है। अगर अच्छा है ऑलरेडी जन्म कुंडली में, तो अच्छे प्रभाव देगा, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ाई में भी आपको हेल्प करेगा।
आप ऐसे समय में त्राटक कर सकते हैं। त्राटक करना इस स्थिति के लिए बहुत अच्छा होता है। त्राटक मतलब किसी भी चीज को, आप कोई कैंडल ले लीजिए, उसका जो फ्लेम रहता है उसको आप थोड़ी देर स्टेयर करेंगे, घूरेंगे, देखते रहेंगे टकटकी बांध करके, तो आप बिल्कुल अपने अंदर एक स्टिलनेस, एक कामनेस महसूस करेंगे, एक बिल्कुल पीस महसूस करेंगे। वहां आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत बढ़ जाएगा। वैसे भी सोशल मीडिया के एज में जहाँ कॉन्सेंट्रेशन हमारा बिल्कुल भी नहीं रह गया, अभी तो लंबे वीडियो देखना दिक्कत होती थी, अब तो लोगों को शॉर्ट्स में भी परेशानी है, रील्स में भी परेशानी है, 30 सेकंड में भी बोर हो जाते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन तो करनी पड़ेगी अगर आपको पढ़ाई में अच्छा करना है। एक दृष्टि उनकी पड़ेगी आपके सर पर, आपको अच्छे सपने आ सकते हैं, आने वाले समय को लेकर के कुछ आभास आपको महसूस हो सकते हैं, आपको कुछ चीजें वैसे ही पता चल सकती हैं जो आपके रिश्तेदारों के साथ होने वाला है, ऐसी कुछ चीजें आपके साथ होंगी। गुस्सा कुछ लोगों को ऐसे समय में कभी कभी उठ सकता है, ये भी दिखाई दे रहा है। सातवीं दृष्टि केतु की पड़ेगी आपकी इनकम के हाउस पे, आपके जो आय का घर है, एकादश भाव जो है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा मोह भंग हो सकता है, आपको पैसे कमाने की बहुत ज्यादा इच्छा नहीं होगी, थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन लाइफ में इस समय में ज्यादा बना रहेगा, तो ये स्थिति आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है। साथ में एक दृष्टि उनकी जो पड़ रही है वो आपके भाग्य के स्थान पर पड़ रही है। अगेन भाग्य का स्थान में पड़ना उनका बहुत ही अच्छा माना गया है। केतु की दृष्टि जब भाग्य पे पड़ेगी, या हम उसको संस्कार का घर भी कह सकते हैं, हम उसको आपके रिलीजन का, आपके धर्म का घर भी कह सकते हैं, वहां पे पड़ने से भी आप बहुत भाग्यशाली भी होंगे, आपका भाग्य भी चमकेगा, भाग्य साथ देगा, मन आपका धार्मिक क्रियाकलापों में लगा रहेगा। अगर कोई व्यक्ति परेशान चल रहे हैं तो हमसे, हमारे सिद्ध दरबार दिल्ली में आकर के मुलाकात करें, बिल्कुल निशुल्क हम ये सेवा करते हैं, आपको उपाय भी निशुल्क दूंगी, नारियल सिद्ध करके दूंगी, जो भी अब तक मैंने शक्ति पाई है, सिद्धि पाई है, उससे तुम्हें बताऊंगी भी, परामर्श भी दूंगी कि क्या करना है जीवन में, कौन सा ग्रह खराब चल रहा है, क्या तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है या होने वाला है, और साथ साथ उसे टालने के लिए, तुम्हारे अच्छे ग्रहों का प्रभाव बढ़ाने के लिए निःशुल्क आपको उपाय भी करके दूंगी। केवल एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके मेरे पास ले आए और हमारे शनि देव जी की कृपा साथ ले जाए। केतु अगर आपको अच्छा परिणाम नहीं दे रहे हैं तो चिंता मत कीजिए। अंत में आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बताऊंगी जिसमें आपको कुछ करना भी नहीं है और बड़ा सिंपल है, कोई खर्चा भी नहीं है, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। वृषभ राशि वालों, इस समय में आप एक लेसन सीखेंगे। जो केतु जो आ रहे हैं आपको कुछ सिखाने आ रहे हैं, आपको एक बड़ा तगड़ा सा झटका लगने वाला है। जिन चीजों पे आप निर्भर हो रहे थे, जो प्लानिंग आपने कर रखी थी, वो प्लानिंग आपकी फेल होने वाली है, लेकिन खुशखबरी की बात है कि उससे भी अच्छी प्लानिंग आपको मिलने वाली है। कई बार हम गलत तरीके से कोई कार्य कर रहे होते हैं तो उस कार्य का टूट जाना, समाप्त हो जाना, वही अच्छा होता है, ठीक है। और जब आप उसको बेहतर ढंग से करने लगोगे तो वही कायनात, जो आपको, जो सृष्टि सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो सपोर्ट करने लगेगी। आपको गिराया ही वहां से इसलिए गया है या जाएगा क्योंकि भगवान आपको उससे कुछ बेटर देना चाहते हैं और आपको इतनी मजबूती से देना चाहते हैं कि जब आप शिखर पर पहुंचो तो अब के आपको गिरना ना पड़े। वो सारी चीजों को आप समझते हुए, प्रैक्टिकल प्लान बनाते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। कुछ जो आपको रियलाइजेशन होगा, जो आपको चीज आपको अचानक से पता लगेगी कि अरे यहाँ हमने गलती कर दी, उस पर आप सोचेंगे, विचारेंगे। आप ऐसा नहीं है कि बस गलती करते जा रहे हो, गलती करते जा रहे हो, इस समय में गलती होगी तो आप बैठोगे, सोचोगे, विचारोगे, उसको ठीक करोगे, प्लानिंग करोगे और फिर उससे आगे बढ़ जाओगे। कुछ नए प्रपोजल आते दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों को पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा होता दिखाई दे रहा है, पर्सनल लाइफ आपकी काफ़ी बेटर हो रही है इस समय में। मैरिज अगर आपकी अच्छी नहीं चल रही, मैरिज में आपका परिवर्तन आएगा। कुछ लोगों को मैरिज का नया रिश्ता आ सकता है, कुछ लोगों की शादी हो सकती है, कुछ लोगों का मैरिज रिलेटेड जो आपका जो सुखद समय कहें, जो हर शादी में एक बहुत अच्छा सुखद समय होता है, वो आपको इन 1.5 सालों में कुछ लोगों को मिलता दिखाई दे रहा है। अगर आपके मन में किसी के लिए चाहत थी तो वो चाहत पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उससे बेहतर आपको कुछ मिलने वाला है, जो एक फुल पैकेज, एक फुल डील आपके लिए होगा और बहुत बढ़िया आपको उसके बाद खुद लगेगा कि अरे ये अगर वो चीज़ हमसे छूटती नहीं, वहीं हम अपने रिलेशनशिप में बंध जाते, अपने काम में वहीं बंध जाते, तो ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आती। तो एक अपॉर्चुनिटी छूटेगी तभी आपको उससे बेहतर मिलेगी। मन में जो काफ़ी समय से तनाव है,
जो बोझिल महसूस कर रहे हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो, लाइफ वर्कआउट नहीं हो रही ऐसा महसूस कर रहे हो, रात में अकेलापन महसूस होता है, रात में आपको नींद नहीं आती है, डर लगता है फ्यूचर को लेके, ये सारी चीज़ें 1.5 साल में परिवर्तित होंगी। लेकिन इन्हें परिवर्तित करने के लिए आप परिवर्तित होंगे, और कुछ लोगों के फीमेल फ्रेंड्स या फीमेल पार्टनर्स की वजह से ये नज़रिया आपका बदलेगा, जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट आप करोगे। और फिर फाइनली जब आप उस चीज़ को करोगे, चाहे कुछ भी, चाहे आपकी पढ़ाई है, चाहे नौकरी है, चाहे करियर है, चाहे आपका मैरिड लाइफ है, वो आपको बेटरमेंट जो है वो वहाँ से आपको प्राप्त होगी। मेरा नाम ब्रिजपाल है, मैं तिलक नगर में रहता हूँ। फोन में यूट्यूब देख रहा था एक लड़का मेरे साथ, मैंने उस ट्यूब में मेरे को भी दिखा भाई, मैंने उस ट्यूब में देखा तो गुरु माँ की तस्वीर दिखाई थी, तो जो कह रही थी कि हमारे यहाँ वीरवार को फ्री दरबार लगता है, पर ये जो वीरवार गया पीछे, इसी वीरवार को मैं गुरु माँ के चरणों में आ गया। आज मेरा दूसरा वो है, और यहाँ से जाने के बाद पहली बार में मेरा शरीर भी ठीक हो गया और मेरा काम भी खुल गया, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। मैंने कभी दिवाली या होली पे भूखा मरता था, लेकिन आज जो खुशी महसूस करता हूँ मैंने कभी नहीं की। गुरु माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। केतु जो है वो डिटैचमेंट का कारक है, यानी जहां भी जाते हैं वो मोह को तोड़ते हैं, मोह भंग करते हैं। और अगर आपकी कुंडली में किसी विशेष जगह बैठे तो आपका मोह उस स्थान से बहुत ज्यादा है, उसको तोड़ने वो इस जन्म में आपके पास आए हैं। उपाय बड़ा सिंपल है, किसी भी चीज का मोह करना छोड़ दो। खासकर अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज पे ज्यादा डिपेंडेंट होने लगा हूं या होने लगी हूं, उस चीज का त्याग करने को चाहे मन ही मन, कोई जरूरी नहीं है कि आपने छोड़ ही देना है, मन से उससे डिटैच हो जाओ, अपने कर्तव्य पूरे करो, लेकिन आप उसमें फंसो नहीं। अपने अटैचमेंट को, यानी अटैचमेंट मतलब आपका सुख दुख उस पर निर्भर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे हैं, बच्चों ने अगर आपके साथ अच्छा व्यवहार किया या बच्चे आपके कामयाब हो रहे हैं तो आपको खुशी हो रही है। अगर बच्चे आपके परेशान हो रहे हैं या आपका अपमान कर रहे हैं या आपके मुताबिक नहीं चल रहे हैं तो आपको वहां से दुख होगा। ये मोह है। आप अपना कर्तव्य करो, बस उसमें से जो बीच का अटैचमेंट है, जो मोह है, उसको निकाल दो, तो आपका सुख दुख बच्चे नहीं रहे, आपका सुख दुख आप स्वयं हो, आपके प्रभु है, आपके कर्म है। तो इसीलिए वहां से हट जाने से आपका केतु ठीक हो जाएगा अगर पंचम में बैठा है। इसी प्रकार से जहां भी बैठा है बस यही संकेत कर रहा है कि आपको उस स्थान से बहुत मोह था पिछले जन्म में या इस जन्म में मोह में आप पड़ रहे हो, उसको छोड़ना सीख दो, उसको डिटैच उस सिचुएशन से, उस इंसान से, उस जगह से होना सीख जाओ। केतु आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। साथ में संतों की वाणी हमेशा सुनते रहे। केतु जो है वो हमेशा ही धर्म के पक्ष में रहे हैं, धर्म ध्वजा उनके हाथ में होती है। शून्य की स्थिति, उच्च आध्यात्मिक स्थिति केतु ही देते हैं। अगर आपको अध्यात्म में बढ़ना है, संतों की वाणी सुनो, स्वयं भीतर से खुश रहना है, अच्छा रहना है, लाइफ आपकी आपको सेटिस्फाइंग लगे, संतों की वाणी सुनना शुरू करो, उनका आशीर्वाद लो, केतु बहुत प्रसन्न होंगे, आपको किसी प्रकार के मोह में फंसने ही नहीं देंगे। और इमोशंस में बहना छोड़ दो। अगर आपको किसी भी प्रकार का इमोशन आता है, बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, किसी भी प्रकार का, या बहुत ज़्यादा प्रेम भी, ये भी खतरनाक होता है, उसको छोड़ो, अपने आप को एक बैलेंस में लेकर के आओ। जहाँ भी, जिस भी चीज़ पे आप डिपेंडेंट हो रहे हो, उसी समय उसको पकड़ लो और उसको छोड़ दो, कि तो आपके स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। फिर से मुलाकात करूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।